संग्रह की खदानों से निकल रहे ओवरलोडेड ट्रक के भार से कभी भी दोबारा ध्वस्त हो सकता है दनोई स्टील ब्रिज। 24 अप्रैल को लाइमस्टोन के एक ओवरलोडेड मल्टी एक्सल ट्रक के साथ खड में जा गिरा था पुराना पुल। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य ने कहा था 28 मई को किया था 1.5 करोड़ से बने नए पुलिंदे पुल का उद्घाटन। दनोई खड पर नए पुल के लिए रेणुका जी ने अपने बजट का इंतजार कर रहे हैं विभाग व प्रशासन। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यावरण प्रेमी किंकरी देवी के निधन के बाद क्षेत्र में फिर बेलगाम हुआ खनन माफिया। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार उपमंडल संग्राम में कहीं भी सरकारी वेट ब्रिज न होने के चलते नहीं किए जा रहे हैं ओवरलोडेड ट्रकों के चालान। जिला खनन अधिकारी सिरमौर के अनुसार संग्राम में माइनिंग चेक पोस्ट व वेट ब्रिज की पुरानी प्रपोजल को रद्द कर चुका है विभाग। 2017 में एक स्थानीय एनजीओ द्वारा उठाया गया था संग्राम में चेक पोस्ट व माइनिंग इंस्पेक्टर नियुक्त होने तक पांचों लाइमस्टोन माइन बंद किए जाने का मुद्दा। गत जुलाई माह में हिमाचल सरकार के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने बचकाना बताया था पीडब्ल्यूडी मंत्री का अवैध खनन से तबाही संबंधी बयान। हिमाचल सरकार में अहम पद पर मौजूद एक माननीय की भी बताई जाती है संगड़ा की एक लाइमस्टोन माइन में बेनामी पार्टनरशिप। ट्रक ऑपरेटर यूनियन की स्थानीय इकाई SDM और DSP संगड़ा से कई बार कर चुकी है चूना पत्थर खदानों से निकलने वाले ओवरलोडेड ट्रकों पर एक्शन लेने की अपील। सिरमौर जिला के सिविल सब डिवीजन संगड़ा में चल रही 5 चूना खदानों से हर रोज निकलने वाले 3 दर्जन के करीब ओवरलोडेड और मल्टी एक्सल ट्रक से एक बार फिर दनोई पुल के ध्वस्त होने का खतरा बना हुआ है। पिछले 24 अप्रैल को वालिया लाइमस्टोन माइन के बताए जा रहे हैं एक मल्टी एक्सल ट्रक के साथ यह पुल खड में जा गिरा था और उस दौरान पुलिस ने इसके लिए गरीब ट्रक ड्राइवर को जिम्मेदार मान उसके खिलाफ FIR भी की थी। पिछले 28 मई को हिमाचल सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा दनोई घाट पर करीब 1.5 करोड़ की लागत से माने इसी तरह के पुलिंदे अथवा वैली ब्रिज का उद्घाटन किया गया था और इस पुल की अधिकतम भार वाहक क्षमता भी महज 25 टन बताई जाती है। विडंबना यह है कि सिविल सब डिवीजन सगड़ा में करीब 800 बीघा भूमि पर चल रही 5 चूना पत्थर खदानों से हर रोज निकलने वाले ओवरलोडेड और मल्टी एक्सल ट्रक में 40 टन तक लाइमस्टोन बताया जाता है और जानकारों के अनुसार ऐसे में क्षमता से 2 गुना भार पड़ने के चलते नया पुल भी जल्द धराशाही हो सकता है। 24 अप्रैल को यहां मौजूद पुराना पुल टूटने पर उपमंडल संग्राह व साथ लगते शिमला के कुपू क्षेत्र की 5 दर्जन के करीब पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय नाहन हरिद्वार व चंडीगढ़ जैसे अन्य विभिन्न हिस्सों से कट गया था। विभागीय सूत्रों के अनुसार दनोई घाट पर पक्का व डबल पुल बनाने के लिए एक तरफ जहां PWD व हिमाचल सरकार रेणुका जी डैम से अल्टरनेटिव रूट के लिए मिलने वाले बजट का इंतजार कर रहे हैं वहीं खनन विभाग व पुलिस प्रशासन स्थानीय लोगों के अनुसार मौजूदा पुल को बचाने के लिए गंभीर नहीं है। SHO संगड़ा बिजलाल मेहता के मुताबिक पुलिस थाना क्षेत्र संगड़ा में कहीं भी सरकारी धर्म काटा तो वेट ब्रिज न होने के चलते विभाग ओवरलोडेड लाइमस्टोन ट्रकों के चालान नहीं कर पाता। 2 जनवरी 2022 को हालांकि DSP संगड़ा द्वारा ओवरहाइट तो बॉडी मॉडिफाई करने के लिए चूना पत्थर के एक ट्रक का करीब 43,000 का चालान किया गया था मगर इसके बाद दोबारा पुलिस का ऐसा सख्त एक्शन नहीं दिखा। वर्ष 2017 में शारा नाम एक स्थानीय NGO द्वारा उपमंडल संगड़ा में माइनिंग चेक पोस्ट व विभाग के इंस्पेक्टर अथवा गार्ड की नियुक्ति तक यहां चल रही 5 चूना खदानों को बंद रखे जाने का मुद्दा उठाया गया था और इस बारे खनन अधिकारी व DC सिरमौर के साथ साथ मुख्यमंत्री राज्यपाल व प्रधानमंत्री तक को शिकायत पत्र भेजे गए थे। इन शिकायतों के बाद हालांकि विभाग द्वारा संग्राह में माइनिंग चेक पोस्ट की प्रपोजल को स्वीकृति दी गई थी मगर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर कुलभूषण शर्मा के मुताबिक वर्तमान में क्षेत्र में अवैध खनन के मामले सामने नहीं आ रहे हैं जिसके चलते अब इस प्रपोजल को रद्द किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस चाहे तो नाहन व पांवटा सब डिवीजन के विभिन्न स्थानों पर मौजूद चेक पोस्ट अथवा वेट ब्रिज का रिकॉर्ड माइनिंग डिपार्टमेंट उपलब्ध करवा सकता है। गौरतलब है कि हिमाचल में सत्ता परिवर्तन के बाद एक तरफ जहां उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने खनन माफिया पर पूरी तरह लगाम लगाने का दावा किया था वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने भी गत जुलाई माह में कुल्लू में बाढ़ से हुई भारी तबाही के लिए अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया था। PWD मिनिस्टर ने हालांकि यह मुद्दा खनन एवं उद्योग मंत्री तथा CM के समक्ष उठाने की भी बात कही थी मगर सिरमौर से ही संबंध रखने वाले उद्योग मंत्री ने कुछ दिन बाद लोक निर्माण मंत्री के इस बयान को बचकाना करार दिया था। संगड़ाह में चल रही 5 चूना पत्थर खदानों में से एक में प्रदेश सरकार में वर्तमान में मजबूत पकड़ रखने वाले एक माननीय की बेनामी पार्टनरशिप भी बताई जाती है और क्षेत्रवासियों के मुताबिक कांग्रेस के साथ साथ सूबे में भाजपा की सरकार आने पर भी ऊंची पहुंच वाले खनन माफिया पर कार्यवाही से संबंधित कर्मचारी कतराते हैं। गौरतलब है कि गत वर्ष 4 मई को जहां मिनी सचिवालय संगड़ा से महज करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लाइमस्टोन माइन पर काम कर रहे एक मजदूर की मौत हुई थी वहीं इससे पहले रायचा माइन पर 4 और भड़वाना में एक मजदूर की चूना पत्थर के मलबे में दबने से मौत हो चुकी है। 1990 के दशक में सिरमौर की 74 चूना खदानों को बंद करवाने के लिए जानी जाने वाली किंकरी देवी के जिंदा रहते हालांकि खनन व्यवसायी और माफिया उनसे खौफ खाते थे मगर
30 दिसंबर 2007 को उनके देहांत के बाद से एक बार फिर नियमों की अनदेखी कर खनन व्यवसायी कीमती पत्थर निकालने के लिए पहाड़ काटने में लगे हैं। बहरहाल संगड़ा की चूना पत्थर खदानों से हर रोज निकल रहे 3 दर्जन के करीब ओवरलोडेड और मल्टी एक्सल ट्रक धनोई पुल के लिए खतरा बन चुके हैं और पुलिस प्रशासन के अनुसार यहां वेट ब्रिज न होने के चलते नियमानुसार इनके चालान संभव नहीं है। बयान से साफ जाहिर होता है आप भी इन चीजों को रोकने के पक्ष में नहीं है, और रोकने के पक्ष में आप क्यों नहीं है, क्योंकि आपके खुद के भी क्रेशर है मंत्री महोदय, आपकी खुद की उसमें पत्तियां मंत्री महोदय, इसलिए आप नहीं चाह रहे। अभी मैं आपको पौंटा का ताजा उदाहरण बताया, आपने अभी कहा कि 100 मीटर के दायरे में क्रेशर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता और क्यों नहीं है? पौंटा साहब में जहां से भी 5 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, आर्मी का हेलीकॉप्टर उड़ाना पड़ा, वहां पर तो क्रेशर बिल्कुल साथ में। ये जो त्रासदी हुई है ये इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं हुई है, ये तो जो रेनफॉल है, जो बारिश हुई है, वो हैवी डाउनपोर हुआ है। इलीगल माइनिंग तो मान लो एक स्थान पे, दो स्थान पे या तीन स्थान पे हो सकती है, मगर सारी की सारी कुल्लू वैली और पूरे के पूरे कुल्लू ज़िले में नुकसान को इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। क्या थुनाग में और मंडी ज़िले में भी इलीगल माइनिंग हो रही थी? तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, ये उनका बचकानी वाली बात है, ऐसा नहीं है। ठीक है, छुटमुटी इलीगल माइनिंग होती है और इट इज़ फॉर द पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट टू चेक इट। पॉलिसी लाई जानी चाहिए ताकि रिवर बेड से जो है माइनिंग हो और साइड से जो करवाया जाता है उसका ऑप्शन करवा कर उसकी सरकार रॉयल्टी ले। चीजें हो रही है ये इलीगल माइनिंग की वजह से हो रही है, किस किन लोगों का इसमें संरक्षण है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस पर बात करूंगा और विधानसभा में भी इस इशू को उठाऊंगा, और जो हमारे माइनिंग मिनिस्टर है, मेरे कलीग है, मैं उनसे भी बात करूंगा हर्षवर्धन जी से कि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये कोई नेचुरल चीजें नहीं है। अगर इसका कोर्स बदला है इट इज बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग, लेट मी बी वेरी क्लियर एंड वेरी फ्रैंक। और जिस तरीके से इसमें जो नुकसान लोगों का हुआ है इसके ऊपर जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और अगर नहीं होती है तो इसको एसपी को यहाँ से एसपी का तबादला होना चाहिए। अगर सुहागन कीनी रे मोसनना मिलाई के छाप तिलक